और गाइस कल वीडियो नहीं आया था, तबीयत थोड़ा सही नहीं था, मूड थोड़ा सही नहीं था, बस इसी तबीयत जो चढ़ता है। एक कपड़ा कोई देना चाहिए तो इसीलिए ये वाला सभी को यूज होता है। ये है चूड़ी और ये क्रीम वगैरह होता है, सब कुछ मतलब देना चाहिए सुहागिन का। करेंगे मेरे लिए फास्टिंग, इनका तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है और करेंगे फास्टिंग। आँख तो ऐसे ही ढुक गया है पूरा। तो क्या हुआ, भगवान के नाम से सब कुछ पार हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हमारा दो दिन ब्लॉग फिर से गैप हो गया। हम लोग तो ऐसे कोशिश करते हैं गैप ना हो, लेकिन फिर भी गैप इधर उधर करके हो ही जाता है। थोड़ा कंटेंट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तबीयत खराब था सीधा, थोड़ा स्थिति का तबीयत भी खराब था। और अभी देखिए चाय लेके कैसे खड़े हैं, तो स्टेशन पे चाय बेच रहे हैं। हाँ, चाय बेच रहे हैं। और ये हमारे लिए आ गया है निमकी और बिस्किट और टी टाइम दीजिए। तो अभी मिस्टर भगत नहा चुके हैं, लेकिन उनको जाना है दुकान। और गाइस कल वीडियो नहीं आया था, तबीयत थोड़ा सही नहीं था, मूड थोड़ा सही नहीं था, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्या बोलूँ, बार बार बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन कोशिश करूँगी हमेशा, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब मन ही नहीं करता है वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, मतलब मूड ही नहीं होता, बस इसीलिए, और कुछ भी नहीं। थोड़ा अप्स एंड डाउन होता रहता है, कोई बात नहीं। बट आगे के लिए बहुत सारे ब्लॉग हैं, आप लोग देखते देखते थक जाइए। हाँ, अभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है गाइस। और तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि तीज आ रहा है बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द क्या, पास से तीज है ना, बहुत दूर हो जाता है। आप ही बोल लीजिए। टी टाइम। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि तीज आ रहा है, और तीज है हमारा, हम लोग तो यहाँ पे 18 तारीख को तीज कर रहे हैं। और कैसा क्या होगा, जो भी होगा तीज में, जैसा हमारे यहाँ पे होता है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज मैं अपना हेयर ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि कल हेयर वॉश करना है, कल संडे और परसों मंडे, तो मंडे को ही हम लोग तीज करेंगे, वो भी मतलब जैसे कि 10-11 बजे 12 बजे में ही कर लें, क्योंकि फिर तीज का जो ये है वो छूट जाएगा शायद। पंडित जी भी बोले हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तुम लोग ऐसे ऐसे ही करेंगे। तो आज मम्मी जाएगी शॉपिंग करने के लिए तीज का, तो लेकर आएगी, जो जो लेकर आएगी सब आप लोगों को दिखाएंगे, मैं और मम्मी करेंगे, और मैं घर पे ही करूँगी। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, मंदिर भी थोड़ा छोटा है, कंजेस्टेड है, तो मैं घर पे ही करूँगी पूजा। जहाँ देखो वहाँ पे भगवान होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मेहंदी भी लगाना है मुझे इस बार, तो मतलब मेहंदी आता है उतना सही से भी नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार मेहंदी, मतलब कोशिश क्या, मतलब थोड़ा बहुत ठीक से कोशिश करूँगी लगाने का, नहीं तो वो गोल वाला कर लूँगी, बस वही हो जाएगा, वही अच्छा है। और जो जो होगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आगे का ब्लॉग आप लोग, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, आप लोग वेट करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि हमारा साथ छोड़ दे, कुछ थोड़ा बहुत समझिए हमारा प्रॉब्लम को, आप लोग नहीं समझिएगा तो फिर कौन समझेगा, तो समझिए हमारे प्रॉब्लम को। शॉर्ट्स भी बहुत सारा शॉर्ट्स आएगा बहुत जल्द, कुछ दिन बाद। हाँ, बट लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद। तो अभी आ गई है मेरी प्यारी सी बाबू, छोटी ननद। मेरी प्यारी बेटी बाबू, तो यहाँ पे बाबू खा रही है, बहुत बहुत इनको ये सब खाने में बहुत मजा आता है। तो ये दो पैकेट लेकर आई है मेरे पास, सीधा आई और मुझे दे रही, बोली भाभी प्लीज इनको दीजिए बना के, हम खाएंगे, दीजिए बना के। तो मैं इनको तेल में छान के दी। बाबू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाभी को आप थैंक यू नहीं बोले, भाभी आपको दी तो बना के, अब भाभी को थैंक यू नहीं बोले, थैंक यू बोल दीजिए भाभी को। हैं? तो हेलो गाइस बोल दीजिए। हेलो गाइस। काजल कैसे कर लिए बाबू? पूरा काजल गंदा कर लिए हैं। ठीक है, आप खाइए, वो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में।
हे गाइस, तो मैं उस टाइम आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी सिर्फ इनके वजह से, ये जो थे सिर्फ कैमरा इधर उधर कर रहे थे इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही थी आप लोगों से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है तीज है, मेहंदी वगैरह लगाना है, तीज मैं करती हूँ और मेरे घर में मेरी सास करती है तीज। तीज तो बहुत लोग, सभी लोग करते हैं तीज। तो कल मेहंदी लगा और मैं कल आईब्रो भी बनवा कर आई हूँ और मम्मी सामान भी लेकर आ गई है जो तीज में चढ़ाया जाता है, जैसे कि सिंहार का सामान वगैरह वो सब। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ मैं, मम्मी लेकर आ गई है तो सोचा कि आप लोगों को दिखा भी देती हूँ क्या क्या मतलब चढ़ता है। वो तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार दिखा देती हूँ आप लोग भी देख लो। तो चलिए चलते हैं। तो सारा शॉपिंग हो गया है मम्मी का और अभी सब सामान निकाल के दिखाएंगे क्या क्या शॉपिंग हुआ है। बाद में खर्चा निकाल दूँ। ये क्या है? ये ब्लाउज का पीस जो चढ़ता है, एक कपड़ा कोई देना चाहिए तो इसीलिए ये वाला सभी को ले देती हूँ। ये है चूड़ी और ये क्रीम वगैरह होता है, सब कुछ मतलब देना चाहिए। सुहाग इनका कंगी हो गया, लाल हाँ बिंदी हो गया, ये मम्मी का और मेरा सेलिन पॉलिस अल्ता, इसके बाद सिंदूर, लिपस्टिक, गार्डर, सारा कुछ लगता है, छोटा ऐनक, छोटा ऐनक डबल डबल, हाँ मम्मी का मेरा डबल डबल। अच्छा ये वाला नेल पॉलिश, तेल अभी और आएगा, फ्रूट वगैरह फल वगैरह आएगा। इसमें भी चूड़ी है, इसमें भी चूड़ी है, इसमें भी चूड़ी है। क्या बोले? गुड़ है। इसमें क्या क्या है? इसमें गुड़ है और सत्तू है जो, और ये वाला सारा पूजा करने के बाद पंडित जी को मतलब दान कर देगा सत्तू, ये गुड़ इसी से पारण होगा, पंडित जी को भी दे देंगे। ये पहले इसी को खाना चाहिए ना, आंचल में लेके गुड़ और सत्तू सान के थोड़ा पंडित जी को दे देंगे, थोड़ा रख लेंगे, गुड़ सत्तू सान के सुबह में पारण करेंगे। मैं देखे तो यही सब सामान लगता है जितना मतलब सिंगार का सामान होता है सब कोई तो यही सब देता है। सब मौली लाए हैं पूजा में लगेगा, ये पुड़िया वाला सिंदूर ले लिए हैं के लिए, ये सब तो लगभग करता है सिंगार का सामान। और तस्वीर खरीद कर लाए हैं वो जो क्या फोटो पूजा करने के लिए तो वो भी लेकर आए हैं, और जो जो होगा सब आप लोगों को दिखाएंगे जैसा यहाँ पे होता है वैसा पूजा। तो परसों है तीज, आई मैडम करेंगे मेरे लिए फास्टिंग, इनका तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है और करेंगे फास्टिंग, आँख तो इसी ढुक गया है पूरा। तो क्या हुआ, भगवान के नाम से सब कुछ पार हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी। कलर क्या पकड़ा है मेरा? कलर थ्री नहीं है, यहाँ पे तिल है आपका। तो मेरा है कि आपका है? अब मेरा है। तो काय उंगली कर रहा है? आपका है जो मेरा है, मेरा है जो काय उंगली कर रहा है सब भगवान का। तो आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए फास्टिंग करेंगे फिर? अच्छा बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए, हम बोल दिए हैं वीडियो के सामने, आप ऐसे बोलते हैं अब फिर मेरे सामने फिर कुछ और। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि अभी मैं आसमान की ऊंचाइयों पे हूँ। हो गया बकवास शुरू। फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहा है, फर्स्ट टाइम मतलब हो गया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछना चाहिए था ना, सेकंड तो पूछे थे तो वहाँ भी आपको सेकंड तो सेकंड होता है। अच्छा करता है कि ना आदमी, सेकंड हो चाहे फर्स्ट हो, है ना। तो गाइस मैं अपने मम्मी के वहाँ पे मतलब जब मैं वहाँ पे होता है ना, क्या बोला जाता है उसको, नया नया शादी होने से वहाँ पे सावन में कुछ ऐसा भादो गया था, वो कटाना पड़ता है अपने मायके में जाके। तो मैं वहाँ पे थी तो मैंने वहाँ पे पहला तीज वहीं पे मम्मी के साथ की थी, और ये भी गए थे तीज में, मैंने इनको बुलाया था। तो अगले बार बहुत अच्छा मेरा तीज रहा था,
कि मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने तीज किया, मैं भूखी हुई हूँ पानी, मतलब बिना पानी के और कुछ के। तो इस बार भी भगवान से ही प्रार्थना है कि इस बार भी बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही चाहती हूँ सब अच्छा से, क्योंकि सिर वीर दर्द ना हो कहीं और कुछ, मतलब चक्कर ना, ये सब कुछ ना लगे। अगले बार तो कुछ लगा नहीं है, तो इस बार भी मैं चाहती हूँ कि कुछ लगे नहीं, तो देखती हूँ क्या होता है, भगवान के भरोसे मतलब अच्छा से हो जाए। वैसे तो मैं बहुत सारा फास्टिंग की हूँ, ऐसा बात नहीं कि पहली बार फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन निर्जला थोड़ा होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लूँगी। मेरा टेंशन इनको हो रहा है कि मैं कैसे फास्टिंग करूँगी तो कर लूँगी इसीलिए गाइस थोड़ा अप्स एंड डाउन होते रहता है, तो वीडियो नहीं डाल पाते हम लोग। किसी कोई कई कई जने को, कई लोगों को तो बहुत मज़ा आता होगा हमारा वीडियो नहीं आता है तो, बहुत अच्छा लगता होगा, सोचते हो चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ आज का वीडियो नहीं आया, तो बहुत लोग हैं वैसे, कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहेंगे लेकिन हम लोग तो आगे बढ़ते ही रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट दीजिए, साथ कीजिए बस ऐसे। और हम लोग किसी के बदौलत पे कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, हम लोग खुद के मेहनत से ही आगे बढ़े हैं, तो भगवान करे ऐसे आगे बढ़ते रहें। और ज़्यादातर मेहनत हम दोनों ने ही किया है, भगवान करे ऐसे आगे हम लोग बढ़ते रहें। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, क्योंकि आगे का जो वीडियो होगा बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को बहुत मतलब मज़ा भी आएगा दिखने में। तो चलिए अब मुझे आराम करना है, क्योंकि खाना अभी मैं खाई थोड़ी देर पहले, और आप लोगों को फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तो मैं सो के उठ गई हूँ और मैं अभी फ्रेश होकर आई हूँ, मुँह पूरा फेस वॉश करके आया हूँ ठंडा पानी से एकदम। और मैं अभी जा रही हूँ अपना हेयर ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर ऑयलिंग, मैं की भी नहीं हूँ बहुत दिन से, मतलब कुछ दिनों से, मतलब एक सप्ताह से मतलब नहीं की हूँ। यहाँ पे थी, हाँ यहाँ पे कर चुकी हूँ आके, और अभी तक नहीं की हूँ। तो कल है नहाए खाए, और तो नहाए खाए के लिए आज हेयर ऑयलिंग करूँगी, कल शैम्पू करूँगी, तो फटाफट हेयर ऑयलिंग करती हूँ। और नेल पॉलिश भी लगाना है, नेल पॉलिश लगाना मैं भूल जाती हूँ हमेशा, नेल पॉलिश भी लगाना है, कल नेल कट भी करना है, तो पहले हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, पहले ऑयल लेकर आती हूँ अपना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा हेयर ऑयलिंग हो चुका है, और मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग पूरा चिपचिपा टाइप का कर लिया है, क्योंकि ऐसे अच्छा होता है। और अभी मैं घूमती फिरती रहूँगी तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा ऑयल, ज़्यादा करके हमें स्कैल्प में डालना चाहिए ऑयल, स्कैल्प में लगाना चाहिए, तो मैंने अपने स्कैल्प में ज़्यादा रखे मतलब लगा चुकी हूँ। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलें कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो कल सुबह से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर दूंगी, आप लोगों को निराश नहीं करूंगी, क्योंकि आप ही लोग हो जो हमें सपोर्ट करते हो, आप ही लोग मतलब एक दिन दो दिन वीडियो नहीं आता, आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिएगा, अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और एक दिन ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ क्यू एन ए कर लेते हैं, तो आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन अगर जिसको पूछना है तो वो पूछिए, हम लोग आंसर देंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे एक दिन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आएगा इस तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए बाय।